हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर। टुडे वी शैल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट कम्स अंडर GS3। तो GS3 सिलेबस रे आमर जो अच्छी देखो कौन लिखा है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो हमें क्वेश्चन डिस्कस करवा, इंडियाज इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज बीन ए ह्यूज सक्सेस कंपेयर टू यर्लियर लोन रिकवरी प्रोसेसेस। However, there has been a few misses too. In this light, comment on how UK's insolvency reform can show the way. तो इतने आमे देखिवा particularly आमे start करिवा जे insolvency bankruptcy code कौन आगो देखिवा, then आमे question को जीवा। तो देखिवो जो दी याकु जो दी link करुँछो syllabus सो इतना देखो Indian economic and issue related to planning, mobilization, resource growth, development and एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी अंडर एटा कवर होची। ओके, तो तुम्हें मन रखी 2019 आमर प्रिलिम पे जो 365 थिला विजन, तो से आमर जो इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जिते आसला पूरा एक्सटेनसीवली से कवर करता। तो से आर्टिकल को आम देखा, तापर आम ये क्वेश्चन को जीवा। दिस क्वेश्चन मे टेक 20-25 मिनिट्स और 30 मिनिट्स बिकज वी हाव टू थर अन् इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। सो एबे जीवा आम IBC। तो देखो दिस इज पर्टिकुलरली फास्ट न्यूज आम बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी थिला। तो एथरे आमर जो तुम स्केड्यूल भी देखी पार्थ एथरे एटा 2019 रो मैगजीन, बट एबे भी तारो रिलेवेंस अछि, सेथिपई मु तुमको जस्ट शो अप करउची। देखो एटी बैंकिंग रिलेटेड रिफॉर्म रे देखो इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड फास्ट अछि, तेणु याकु आम जब क्लिक करवा आम देखा जे न्यूज रे कौन से थिला। तो देखो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अफेल द कन्स्टिट्यूशनालीटी अफ द इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इन इट्स एंटायरिटी। तो ये जो इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेकिन क्वेश्चन आसाला जे एटा मैंने कन्स्टिट्यूशनाली वैलिड हे कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट एथेरे कन्फर्म करिसेंती आमर इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड सब तार कन्स्टिट्यूशनाली वैलिड बोली से कन्फर्म करिसेंती। तो फास्ट देखिबा आमे ए जो इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एटा गोटे कौन आउ यार फीचर कौन। तो पर्टिकुलरली जो आम कह व्हाट इज IBC, आम कौन कह इट इज ए रिकवरी प्रोसेस। जितेबाला डिफल्टर लोन लोन दौना पेमेंट करूना पेमेंट से यार पिक्चर आसूची इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो दुटा टर्म को लेकिन आम डिस्कस करूचे व्हाट इज इनसॉल्वेंसी व्हाट इज बैंक्रप्सी। तो ये पूरा पर्टिकुलर आर्टिकल देख सब जिन देर कोड्र जो जिन जिते सब न्यूज्रे अच्छी रिलेट कर, तापर आमर फिनान्सील क्रेडिटर किए ऑपरेशनल क्रेडिटर ये सब जिनस आम देखा। तो देख तार की फीचर जब आम देखा इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्र फास्ट फीचर कौन ना क्लियर एंड स्पीड अफ प्रोसेस फॉर ईयरली आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर कॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आमर बेसिकली आम स्पीड अफ हो जाए रिजोल्यूशन प्रोसेस कि रिकवरी प्रोसेस, तापर टू डिस्टिंक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस फ्रेश स्टार्ट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, तापरे एडजुडिकेशन अथॉरिटी। तो देखो टू डिस्टिंक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस माने तांकर जो रिजोल्यूशन अच्छी माने दुटा टाइप रिजोल्यूशन अच्छी ताकू आम कवर करियो परे। तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी माने कौन ना किए एडजुडिकेट करियो किए माने जिते सब सपोज डिसाइड करिवे माने जहाँ भी सब कॉन्फ्लिक्ट हेबो तांको भितरे क्रेडिटर आउ डेब्टर भितरे तांकर कॉन्फ्लिक्ट को किए रिजॉल्व करिवो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल आउ डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो आम जो इकोनॉमी रे पढ़ी थे तुम मन रखिथो जे डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल पे किए इंडिविजुअल पे आउ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कौन पे कंपनी मानक पे ना नहीं। तो इधर देखो रेगुलेटर किए ना इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल एंड एग्रीगेटर एंड इनफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो ये सब जिनस आम देखा पर ओके। तो इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ओवरसीज इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एंड एंटिटीज लाइक IPA, IU, इट हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड RBI। तो ये जो IP जो कहते हैं IP कौन ना इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैंडल कमर्सियल आस्पेक्ट ऑफ इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस रो कमर्शियल आस्पेक्ट को किए डील करती इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सेमती इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन ना टू डेवलप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो एमानकर जो जहाँ भी तो स्टैंडर्ड आउ कोड रहइबो कंडक्ट रूल रहइबो किए डिसाइड करिवे इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी माने।
तापर इनफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो ये देखो आईपी आईपीए आउ इनफॉर्मेशन यूटिलिटी एम किए गोटे गोटे रेगुलेटर तेणु एम गोटे गोटे पर्टिकुलर टास्क रही। तो इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टास्क कौन ना कमर्शियल कमर्शियल आस्पेक्ट को से डील करेंगे। आईपीए काम कौन ना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप करिए कहाँ मध्य इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मानक मध्य। तो इनफॉर्मेशन यूटिलिटी टू प्रोसेस फाइनेंशियल इनफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। तो इथरे कौन करिवे ना फाइनेंशियल इनफॉर्मेशन यूज करिवे किए इनफॉर्मेशन यूटिलिटी माने। ओके तो एबे देखिबा आमे सिक्वेंस ऑफ स्टेप अंडर द आईपीसी आईबीसी केमती स्टार्ट होची देख। तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द डिफॉल्ट देख ये कौन कौन फर्स्ट डे जो डिफॉल्ट होते कौन कर ए क्रेडिटर और ए बोरोअर कैन अप्रोच एनसीएलटी और डीबीटी टू इनिशिएट इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। देखो क्रेडिटर और बोरोअर मैंने सपोज मु लोन नहीं डिफॉल्ट हो जाऊँ मु बैंक्रप्सी होगापी जाऊँ मु भी कहीपरि जे मु बैंक्रप्सी होगापी जाऊँ मत एम कौन कर आईबीसी अंडर आमको प्रोटेक्ट कर। तो मुझे इंडिविजुअल कौटि जी डीबीटी को जी जदि कंपनी होती एनसीएलटी को जी। तो इनिशिएट इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग तो एनसीएलटी और डीबीटी हैज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्ली विदिन 14 डेज। तो ये से कौन 14 डेज भितर एग्जामिन कर ठीक ठाक अच्छे कि नहीं तार जो कहूँ से लोकटा से वैलिड कहूँ कि नहीं एमती से डिसाइड कर। कौन हम ना वन्स द केस इज एडमिटेड लेंडर विल कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो जो बैंक मैंने लोन देते जो मैंने लेंडर थे से कौन करेंगे ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर गोटे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर जितेबाला इंस्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आउ कौन करेंगे सहित ना जो इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट करेंगे व्हिच विल रन द बोरोअर्स कंपनी इन द इंटरिम पीरियड। जो बोरोअर जो थी सी तो कौन बैंक्रप्सी होगा तेणु से कौन करेंगे ना इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चलेबे कोटा को बोरोअर कंपनी को। ओके माने किसी से टाइम पीरियड पे जो टाइम रो इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलो। तापरे कौन हम ना जो 14 डेज पर एक्सेप्ट कले एक्सेप्ट कला ये सब जिन कले तो विदिन 180 डेज द कमिटी ऑफ क्रेडिटर हैज टू डिसाइड ऑन द डेब्ट रिकास्ट प्लान। तो 180 डेज भितर कौन करेंगे ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर से मैंने डिसाइड करेंगे जे केमी आम लोनटा को मानने स्ट्रक्चर केमती करवा से केमी सुझे से तो बैंक्रप्सी होगा तार सिक्यूरीटी आम पाखे अच्छी आम केमी डील करवा आम कि बिक्री करवा ना कनसेसन देवा ना कौन करवा। तो लेंडर विल बी गिवेन एडिशनल 90 डेज टू अराइव एट ए फाइनेंशियल रिजोल्यूशन प्लान। जदि ताकु जदि 180 डेज भितर सॉल्व करि पारु नांती ताले कोन हबो ना किए दबो एटा प्लानटा किए दबो सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो लेंडर जो अछि लेंडर माने अलगा सब लेंडर मानकु नै कि सीओसी थाए किंतु लेंडर मानकु कोन करिवे ना एडिशनल 90 डेज देबे टाइम देबे जे हम रिजोल्यूशन बा रिजोल्यूशन प्लान को फाइनलाइज करिया पे टाइम देबे। तो इफ द लेंडर एग्री बाय वोटिंग द कमिटी ऑफ क्रेडिटर वुड गो अहेड विथ डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अदरवाइज आफ्टर 180 डेज द कंपनीज बोरोअर एसेट विल बी लिक्विडेटेड। सपोज मु मोर जो कंपनी अच्छी मोर कंपनी बुड़ी जावा चली तो किसी पार्ट मोर भल चलती किसी पार्ट खराब चलती। तो से कौन डिसाइड हो ना जो पार्टा खराब चलती से पार्टा कौन करेंगे से आसेट गुड़ा सब बिक्री करदे आउ क्या बिक्री करदे आउ जो पार्टा भल चली रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे मैंने मत आउ टे एक्सटेनसन देवे जो जो थे मुझे कनसेसन पाइबि जे मत जब 10 वर्ष भितर सुझार थी आउ 2-3 वर्ष मत बढ़े रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कमेदे। तो यही टाइप कनसेसन दिजाव तेनाली कौन कौन आम रिस्ट्रक्चरिंग कौन डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग कौन। तो बुझीपार ये प्रोसेस को ये प्रोसेस कहीं कहे तुमको कि कौटी लिखाई निजे जब पढ़ो या तुम जापर। ओके तो ये देखा आम इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो सेकेंड अमेंडमेंट आक्ट 2018 कौन चेंजेस आसी 2018 न्यूज। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड रिव्यू पैनल चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी इंजेती इंजेती श्रीनिवास फॉलोइंग चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द आक्ट। तो इंजेती श्रीनिवास जो रिकमेंडेशन को बेस करके आम किसी चेंजेस आणिले आईबीसी रे। तो फर्स्ट देखो पर्सन इन एलिजिबल टू बी रिजोल्यूशन एप्लिकेंट। तो सेक्शन 29A कौन इतना ना वाज एडेड टू प्रोहिबिट विलफुल डिफॉल्टर प्रमोटर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैविंग नॉन परफॉर्मिंग डेब्ट फॉर ओवर ए ईयर और डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन द रिजोल्यूशन प्रोसेस। सेमती होम बायर टू बी फाइनेंशियल क्रेडिटर होम बायर कौन हो पार फाइनेंशियल क्रेडिटर हो पार व्हिच विल अलाउ देम टू टेक डिफॉल्टिंग
बिल्डर टू बैंक्रप्सी कोर्ट। जो बिल्डर जितेबाला बैंक्रप्सी हिज सपोज मु घर पई मु पैसा दीजी मु किछ जो बिल्डर को मु पैसा दीजी से जो कंपनी कौन हो बैंक्रप्सी हिज तेणु मु फाइनेंशियल क्रेडिटर हिसाब से कौन कर पारिबी डिसाइड कर पारिबी वोट वोट दे पारिबी। तापर रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी ता माने कौन ना एंटिटीज रन बाय प्रमोटर और फैमिली मेंबर्स बार्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन द रिजोल्यूशन प्रोसेस। मोर जदि चिन्हा जाना किए थी से रिजोल्यूशन प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करिया पे चांस मिलिबो नाही। रिकैलिब्रेशन ऑफ वोटिंग थ्रेशोल्ड, कमिटी ऑफ क्रेडिटर कैन डिसाइड ऑन टर्न अराउंड स्कीम और लिक्विडेटन बाय 66% वोट टू स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग। तो 66% जदि लेंडर माने वोट दे देले सपोज ए जो बड़ बड़ लोन गुडा कौन एगुटा आईबीसी कहाँ सहित डील हुए बहुत बड़ बड़ लोन सहित तेणु से कौन गोटे कंपनी भी दे न था बहुत सारा बैंक सब लोन दे था। तो जितेबाला बहुत सारा बैंक लोन दे था से कौन कमिटी अफ क्रेडिटर से तेनालीर जो मेम्बर था 66% जदि भोट दौरान बेस करके आम कौन हो गए टर्म अराउंड स्कीम बा लिक्विडेशन स्टार्ट होउछि। तापर देखो विथड्रॉयल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी। तो आगुरु कौन होतला ना वन्स फिल्ड एंड एडमिटेड बाय एनसीएलटी एन एप्लीकेशन कुड नॉट बी विथड्रॉन। तो नाउ कौन होउछि नाउ द विथड्रॉयल इज अलाउड फॉर ऑपरेट कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इफ अप्रूव्ड बाय 90% ऑफ द क्रेडिटर। तापर प्रोटेक्शन टू एमएसएमई, एमएसएमईज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ आईबीसी। मन रखे एटा एटा बहुत इंपोर्टेंट। फॉर एग्जांपल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रमोटर फ्रॉम रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग। तापर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कौन कहूँ ना अकॉर्डिंग टू आईबीसी द ड्यूज ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर रैंक बिलो दोज फाइनेंशियल क्रेडिटर इट हैज बीन सीन एज वायोलेटिव ऑफ क्रेडिट आर्टिकल 14। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफ एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू क्लासेस ऑफ क्रेडिटर देन लेजिस्लेशन इज नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। पुणी आउ थे पढ़ा जे अकॉर्डिंग टू आईबीसी कौन हो ड्यूज ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर रैंक बिलो दोज ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ये जिनसटा कौन कहते आमर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर मानक जो ड्यू अच्छी फाइनेंशियल क्रेडिटर मानक रैंक टू बहुत कम तेणु ये कौन वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 बोली से कहते कि सुप्रीम कोर्ट मना कर फर्दर सुप्रीम कोर्ट अफेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 12 ऑफ एक्ट व्हिच स्टिपुलेट द टाइमलाइन ऑफ इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस द थ्रेशोल्ड टू अलाउ विथड्रॉयल ऑफ इनसॉल्वेंसी केस पर्टेनिंग टू द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। तो एमती कि आम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखिले ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर किए फाइनेंशियल क्रेडिटर किए तो ये देख लिखाई ऑपरेशनल क्रेडिटर आउ रैंक बिलो किए फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर माने किए दोज हु रिलेशनशिप विद द एंटिटी इज प्योर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट सच एज ए लोन और डेब्ट सिक्योरिटी फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर किए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रेफर टू एनी वन हु हैज प्रोवाइडेड गुड्स और सर्विसेस एंड द पेमेंट फॉर द सेम इज ड्यू फॉर द कॉर्पोरेट डेब्टर। द आईबीसी क्रिएट द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डे ऑपरेशन। तो ये आम जो देखुचे ये पार्टा जो कहूँ आमको कौन कौच आईबीसी रे कौन कौच ना ऑपरेशनल क्रेडिटर माने रैंक बिलो दोज ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो या कि किसी आर्गुमेंट करुंच अलग लोक ओके। तो यहाँ आम देखिले आम कौन आईबीसी को आम देखिले। तो एवं आम देखा आकचुअल क्वेश्चन को जी। तो क्वेश्चन कौन पचारि ना आईबीसी जो आम एस्टाब्लीश होता है यहाँ ह्यूज सक्सेस किंतु तथापि किसी मिस अच्छी से मिसटा को आम डिस्कस करवा। तो आम जब क्वेश्चन स्टार्टिंग केमती करवा ना आम सर्टेन प्रोविजन ऑफ द पार्ट जमी यूके न्यू लॉ ऑन कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी कैन हेल्प सेव इंडियन कंपनी दैट कैन स्टिल रेस्क्यूड फ्रॉम गोइंग इनटू इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो यूके पर्टिकुलर जो अच्छी इनसॉल्वेंसी लॉ रे तार कौन अच्छी आम फीचर ताकु देखिवा तापर आईबीसी सहित तो कंपेयर कला परे जोटा माने भलो लागियो ताकु भी आम कौन करिया सजेस्ट करिवा। तो इंट्रोडक्शन रे देखो लिखाई इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 प्रोवाइड्स ए टाइम बाउंड प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग इनसॉल्वेंसी इन कंपनी एंड अमंग इंडिविजुअल। द गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड ऑल कोविड रिलेटेड डेब्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट अंडर इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड सस्पेंडेड एनी फ्रेश इनिशिएशन फॉर इनसॉल्वेंसी अप टू ए ईयर। तो गोटे ईयर पर आम इनिशिएशन हो पार नहीं इनसॉल्वेंसी।
तो आईबीसी रो सक्सेस को हमें एनालाइज करिया, हमें तो फीचर गुडा देखिले केमती कोन करा होची। तो सक्सेस को जदि हमें देखिबा द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज लेंडर बोरोअर एंड इवन ऑपरेशनल क्रेडिटर इज नाउ एड्रेस्ड अंडर द यूनिफाइड लॉ अंडर आईबीसी। यदि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करथांते ऑपरेशनल क्रेडिटर माने तमे बुझि पार नथांतो। तो आरबीआई रिपोर्ट से दैट ग्रॉस एनपीए हैज कम डाउन फ्रॉम 2% टू 9.2% फ्रॉम 2017-18 टू 18-19। आईबीसी हैज गिवन मोर टीथ टू लेंडर एंड हैज चेंज द क्रेडिट बिहेवियर ऑफ द बोरोअर। नाउ देयर इज ए हार्टनिंग ट्रेंड ऑफ डिफॉल्टर पेइंग अप ड्यू टू ड्यूज बिफोर द केस इज एडमिटेड फॉर इंसॉल्वेंसी अंडर आईबीसी। सो आईबीसी प्रपोजेस ए पैराडिजम शिफ्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेब्टर इन पोजेशन टू द क्रेडिटर इन कंट्रोल रिजिम। As now the board of director is suspended in case of default and the IP manages the enterprise in the best interest of all the stakeholder, IBC has made possible for struggling companies to exit easily, allowing creditor to take the company to NCLT for winding up. Then IBC has reduced crony capitalism under and over invoicing serial defaulter and lead to better allocation of capital by limiting the escape route for the defaulter and watertight frame for disposal of cases. The success of the act lies in the fact that many cases have been resolved even before it was referred to NCLT. तो NCLT before माने को पास करिवा आगरु भी बहुत सारे जिनसो केस ये जी याकु तुम्हें आउ थोड़े डिटेल पढ़ ले तुम्हें आउ टिके बुझी पारिवो जेते तुम्हें रिपीट करिके पढ़िवो सेते तुम्हें बुझी पारिवो जेमती तुम्हें एथरे देखो ग्रॉस एनपीए कमी जाइछि तापरे हमरो लेंडर मानको टिके बेसी पावर दिया जाइछि क्रेडिट बिहेवियर मानको बोरोअर सेति पई कोन हिछि टिके चेंजेस आसीछि तापरे आईबीसी गोटे माने नुआ शिफ्ट आनिछि डेब्टर इन पोजीशन टू ए क्रेडिटर इन कंट्रोल रिजिम। तो आज आज द नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज सस्पेंडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट एंड द आईपी मैनेजेस द इंटरप्राइज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। सो आईबीसी हैज मेड पॉसिबल फॉर स्ट्रगलिंग कंपनी टू एग्जिट इजिली allowing creditor to take the company to NCLT for winding up. IBC has reduced crony capitalism. तो इतने crony capitalism भी कमी जाए जी IBC द्वारा तापरे over invoicing, serial defaulter जेते सब problem थिला बहुत सारा जिनसो cover ही जाए जी बा reduce ही जाए जी. Okay. तो अबे जो दिया मैं देखिवा statistics देखिवा nearly 4 for 5 to cases were dismissed at the pre-admission stage. Hence it shows the effectiveness of IBC. Presently there are 1332 cases before NCLT, realization by creditor around 80,000 crore in resolution cases. Bank recovered rupees 5.28 lakh crore in 17-18 compared to just 38,500 crore in 16-17. The maximum amount recovered was 4,92,500 crore from 21 company. 12 big cases are likely to be resolved this year. And the realization in the case is expected to be around 70,000 crore. Slow judicial process in India allow the resolution process to drag on. This was the same reason for slow recovery under SICA or RBBT. Amaro judicial process kon huchi slow huchi. Lack of capacity. There are inadequate benches to hear the resolved dispute. Euda kon amaro tike jo issue guda ame discuss karuche. Quickly at the National Company Law Tribunal. The factor lead to erosion of public money. This factor lead to erosion of public money. For example, if inflation is 4%, every year's delay effectively reduces the recovery by the same proportion. The time value of delay in SR case, assuming an inflation rate 4% and where the final bid is worth over 42,000 crore, it is close to 5 crore a day. So, the problem jo hochi taku इथरे हम एन माने जो जो एन ए जो इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किछि मात्रा रे कोन करछि रिजॉल्व करछि। तापरे आउ कोन प्रॉब्लम अछि ना लैक ऑफ ऑपरेशनल एनसीएलटी बेंचेस एनसीएलटी बेंचेस आउ एते किछि माने बहुत नाही कोन पई ना दो द गवर्नमेंट हैड इन जुलाई 2019 अनाउंस सेटिंग ऑफ 25 एडिशनल सिंगल एंड डिवीजन बेंचेस ऑफ एनसीएलटी एट वेरियस प्लेसेस इंक्लूडिंग दिल्ली जयपुर कोची चंडीगढ़ अमरावती। Most of these remain non-operational or partly operational on account of lack of proper infrastructure or adequate support staff. तापरे देखो lawyer approval rate of resolution plan. According to the data from the Insolvency and Bankruptcy Board of India, of the 2,542 corporate insolvency cases filed between December 1, 2016 and September 30, 2019, about 156
हैव एंडेड इन द अप्रूवल फॉर रिजोल्यूशन प्लान ओनली 15%। तेणु 15% मात्र आम रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होती तेणु जदिओ सक्सेस तार इफेक्टिवनेस बहुत कम अच्छी कम सक्सेस तो फीचर ऑफ यूके लॉ दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो यूके रो गोटे लॉ अच्छी जो इनसॉल्वेंसी एंड गवर्नेंस एक्ट 2020 से इंट्रोड्यूस कर इंपोर्टेंट रिफॉर्म टू द यूके इनसॉल्वेंसी रो इंक्लूडिंग प्रोविजन सच एज फ्री स्टैंडिंग मोरेटोरियम एंड न्यू रिस्ट्रक्चरिंग प्लान रिजिम विथ क्रॉस क्लास क्राम डाउन। तो दिस मे सर्व टू इनफॉर्म रिफॉर्म टू द प्रोविजन फॉर द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अंडर CIGA कंपनीज कैन सिक सेल्टर अंडर द फ्री स्टैंडिंग मोराटोरियम फ्रॉम द क्रेडिटर एक्शन। इनसॉल्वेंसी लॉ जनरली प्रोवाइड ए मोराटोरियम आफ्टर द कंपनी एंटर इनटू द रिजोल्यूशन प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस अंडर इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ए मोराटोरियम इज ऑर्डर व्हेन द कंपनी इज एडमिटेड इनटू कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अंडर ए फ्री स्टैंडिंग मोराटोरियम द आउटकम और द प्रोसेसेस टू बी फॉलोइड फॉर सच आउटकम इज नॉट प्री डिटरमाइंड। द कंपनी मे चूज एनी वायबल ऑप्शन फॉर इट्स रेस्क्यू और रिस्ट्रक्चरिंग। In fact, it is not necessary to choose any formal process. It can even be rescued without a formal process. The moratorium is overseen by the insolvency professional who act as a monitor, but director remain in charge. It is initially granted for a period of 20 business day, which may be extended for further period of 20 business day if the director make the necessary filing and if in monitor's view the rescue of company is likely. तो ये जो यूके लॉ रे आम आउ थे रिव्यू करवा कौन कौन एथेजी। ओके तो बहुत सारा जो मानते टिके टिके यूनिक अप्रोच रही यूके लॉ रो जमी आम सीजे सिगारे कौन ना कंपनी सेल्टर पर सिक कर अंडर फ्री स्टैंडिंग मोराटोरियम एंड क्रेडिटर एक्शन। तो इनसॉल्वेंसी लॉ जनरली प्रोवाइड फॉर ए मोराटोरियम आफ्टर द कंपनी एंटर इनटू द रिजोल्यूशन प्रोसेस। जो कंपनी रिजोल्यूशन प्रोसेस को एंट्री करतु मोराटोरियम मिलू कंपनी जोथे कि इंडियान केस्रे कौन होता कंपनी को आउ जो हेंडेल इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो फॉर इंस्टेंस जब आम देखा अंडर इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 ए मोराटोरियम इज ऑर्डर्ड व्हेन द कंपनी इज एडमिटेड इनटू कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो अंडर ए फ्री स्टैंडिंग मोराटोरियम द आउटकम और द प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर सच आउटकम इज नॉट प्री डिटरमाइंड। तो ये सब एडवांटेज आम देखापी पाऊे। तो यदि वे फॉरवर्ड देखा जो रिफॉर्म टू द स्कीम प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट विल प्रोवाइड एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर इंडियन कंपनी टू रिजर्व एंड रिस्ट्रक्चर दैर डेब्ट एंड अवॉइड द स्पेट ऑफ इनसॉल्वेंसी दैट मे अकर आफ्टर द पीरियड फॉर व्हिच द IBC इज सस्पेंडेड कम टू एन एंड। ए फ्री स्टैंडिंग मोराटोरियम विल अलाउ कंपनी ए काम पीरियड टू वर्क आउट ए रिजोल्यूशन फर्दर हैविंग इंट्रोड्यूस्ड ए मॉडर्न क्रॉस क्लास क्राम डाउन प्रोविजन एज पार्ट ऑफ द इनसॉल्वेंसी लॉ इन द IBC। लॉ मेकर शुड नॉट हेजिटेट टू मेक सिमिलर प्रोविजन इन द स्कीम प्रोसेस। हिस्टोरिकली स्कीम हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड बाय पर्सन हु हैव नो रियल इकोनॉमिक वैल्यू इन द रिजोल्यूशन। द सक्सेस ऑफ IBC इज ऑल्ड इन नो स्मॉल मेजर ऑफ द डिसीजन मेकिंग बीइंग कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर एज सिंगल क्लास। It is the time to replicate the successful feature of the IBC in the Company Act to create an alternative resolution mechanism that is equally effective. तो एमती है कि हमरो कंप्लीट है जी IBC। IBC रे पर्टिकुलरली हमें देखले IBC रो फीचर देखले PDF रे तापरे तारो जो किछ सक्सेस को देखले हमें डिस्कस करले तापरे हमें फेल्योर को डिस्कस करले जेमती स्लो जुडिशियल प्रोसेस लैक ऑफ कैपेसिटी लैक ऑफ ऑपरेशनल NCLT बेंचेस लैक ऑफ अप्रूवल रेट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान तापरे किसी फ्यूचर देखले यूके रे लॉ को नहीं कि ताकु आमे इनकॉर्पोरेट करिया पे सजेस्ट करले देन आमे कंक्लूजन करले। ओके तो आज पे एति कि नेक्स्ट क्वेश्चन आमे डिस्कस करिया अलग क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर।